तो भाई लोग बोटिंग करके अभी जहाँ वहाँ बोटिंग होती है उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। जीना का मैगी खाने का मूड है तो ये मैगी खा रही है और मैं एक नींबू पानी इंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो अभी यहाँ से ये रास्ता जो जा रहा है जहाँ पे छोटी वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं लेक के पास लेके जाती है, तो अभी गाड़ी लेके लेक के पास चलेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे उस टिहरी ब्रिज के पास। तो अभी पार्किंग से निकाल रहे हैं गाड़ी बाहर और अभी लेके चल रहे हैं गाड़ी को आगे इस तरफ। दिखाओ जी ना कहाँ पे सामने है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लेक के पास का एक जगह है, तो उधर चलते हैं गाड़ी लेके और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है सामने भाई व्यू और देखते हैं लेक के पास कहाँ तक गाड़ी जाती है, लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। I'm loving this place man। ये वीडियोस देख देख के ना मैं पिछले 7-8 साल से भसम हो रहा था और आज मैं ये वीडियो खुद बना रहा हूँ। सो आई एम सीरियसली लविंग दिस व्लॉगिंग थिंग। और अभी ये है पूरा यहाँ पे लेक व्यू, सामने कुछ गाय चर रही हैं तो अभी रास्ता भी कच्चा है पर ठीक है, बनता है यार ऐसी जगह आना। तो सो ये है लेक के बिल्कुल पास, तो ये है लेक के बिल्कुल पास। जीना अंदर मैगी एंजॉय कर रही है और मैं आ गया हूँ थोड़ा सा नीचे। तो रास्ता ठीक है, कच्चा है, आगे भी काफ़ी सारे भाई लोग हैं उधर। सो ये है कच्चा रास्ता, ये अपनी थार यहाँ पर। और अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ फोटोज लेते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। सब ये ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है, वो तो डैम के लिए जाएगा ना। डैम इधर पे जाना है। हाँ जी, डैम इधर 40 किलोमीटर। तो ये रास्ता है डैम की तरफ जाने का, 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये है व्यू पॉइंट और यहाँ से आपको दिखाता हूँ टिहरी डैम। सो ये है डैम, टिहरी डैम नीचे। इस पर ट्रैवल करने के लिए पास की ज़रूरत है, तो पास अपने पास है नहीं तो इधर जा नहीं सकते। इसका रास्ता नीचे से था, अभी थोड़ी देर में आपको नीचे जब नीचे उतरूँगा तो आपको रास्ता दिखाऊँगा।
देखा जाएगा इसका आगे फ्यूचर में, ज़रूर देखेंगे ऐसा इस तरफ आने का और अगर कोई जुगाड़ हो सके तो। फिलहाल अभी यहाँ से लेते हैं यू टर्न और निकलते हैं नीचे की तरफ, बिकॉज़ ये तो डैम है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है, बट एक ब्रिज है जो अभी बोटिंग करते हुए जो ब्रिज दिखाया था वो ब्रिज भी काफ़ी सुंदर है। सो लेट्स गो देयर, जहाँ अलाउड है वहाँ तो जा ही सकते हैं, तो उधर चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा शांति है यार, अभी राजस्थान से कुछ लोग भाई आए थे यहाँ पे, अच्छा लगता है वाइल्ड ट्रैवलिंग यू मीट न्यू पीपल, तो इट्स नाइस। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधे नीचे की तरफ, ब्रिज की तरफ। तो समर्स हो या विंटर्स हो, सुबह 9 बजे ये खुल जाता है लेक यहाँ पे बोटिंग के लिए, लेकिन समर्स में शाम को 7 बजे तक है, विंटर्स में सिर्फ 5 बजे तक है, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है और पानी का फ्लो भी बढ़ जाता है शाम के टाइम पे। तो इस चक्कर में सर्दियों में शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं और गर्मियों में रात को 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। तो जिसको भी आना है उस हिसाब से आ सकता है यहाँ पे। और बोटिंग के अलग अलग चार्जेस हैं जो मैंने आपको दिखाई दिए थे, अगर आप ज़्यादा लोग आ रहे हो तो ज़्यादा रीजनेबल पड़ेगा आपको, अगर आप कपल में इंजॉय करना चाहते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बिकॉज 3000 फॉर टू पीपल इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव। नैनीताल में तो 400 रुपये में पूरा लेक घुमा दिया था उन्होंने, वो भी मैनुअल बोटिंग में। ऑब्वियसली ये डीजल पेट्रोल बोटिंग है तो फ्यूल का चार्ज तो वो लेंगे ही यार, तो उसका अलग एक्सपीरियंस है, इसका अलग एक्सपीरियंस है। तो जिस भी भाई को आना है इस तरफ आ सकता है। अभी फ़िलहाल उसी रास्ते पर कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं ब्रिज पर, बाकी आप लोग व्यू और रास्ता इन्जॉय करो। तो भाई लोग ये आ गया है अपना लेक साइड, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आए थे हम, और यहाँ से सीधे आगे अपन निकलेंगे अब स्ट्रेट उस ब्रिज के लिए, एक रास्ता कटता है आगे से, तो वहाँ पर चलते हैं ब्रिज के लिए। को रास्ता जी सामने, आगे ये रास्ता कनातल की तरफ निकलेगा, चंबा की तरफ निकलेगा, और ये रास्ता जो नीचे को जा रहा है ये जाएगा हमारा ब्रिज के लिए। मैं फिर पूछ लेता हूँ, ब्रिज के लिए रास्ता यही है ना? ठीक, शुक्रिया जी। ये रास्ता है ब्रिज के लिए, मैंने फिर भी कंफर्म कर लिया एक बार, सामने एक छोटा ब्रिज भी आ रहा है और फुल ढलान वाला रास्ता है, तो बस अपना एंजॉय करते हुए चलते हैं इससे। ब्रिज है और ये वो ब्रिज नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहीं आगे जाना है अभी। उधर नीचे भी कैंटीन है, नीचे जाने का रास्ता होगा ना यहाँ से। की वजह से यार हमें बैटरी ना बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रही है, ये दूसरी बैटरी मैंने लगाई है सुबह से, जो ड्रेन आउट होने वाली है फिलहाल अभी मेरी,
तो एक बार सामने व्यू देख लो आप लोग। सो आई एम वेरी क्लोज टू माई डेस्टिनेशन, वो कि ये है डोबरा ब्रिज के लिए रास्ता जा रहा है, सामने डोबरा ब्रिज है, बट मैं पहले रुक गया हूँ बिकॉज ऑफ अ रीज़न। अभी नीचे बोटिंग कर रहे थे, ये बिल्कुल उसका टोटली ऑपोजिट साइड है और आपको दिखाता हूँ यहाँ से ऊपर से, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से। सो आई थॉट ऑफ यार क्यों ना रुका जाए और कैप्चर करा जाए इस मोमेंट को भी। कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा है यार, बोला था 3-4 किलोमीटर है लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता है। It's 3-4 kilometers, it's more than that. Here they come out. So, ये था व्यू एक छोटा सा और अब चलते हैं आगे डोबरा ब्रिज के लिए। फिलहाल मज़ा आ रहा है, मुझे भूख लगी है थोड़ी सी बिकॉज ब्रेकफास्ट के बाद अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं। सो अब चलते हैं डोबरा ब्रिज और यहाँ जाके फोटो कराते हैं। पीछे गाड़ी आ रही है तो पहले गाड़ी को जगह दे दे। क्या हुआ? फोर्डिंग चक्कर था, फोर्डिंग गया तो फोर्डिंग गाड़ी में छोड़ दी। तो जब भी आता हूँ मैं आपको खाते हुए क्यों पाता हूँ गाड़ी में? आपको प्रॉब्लम है? अरे मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ना ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ब्रिज क्रॉस करना का तो बनता है, देखते जाने देंगे और चले जाएंगे फिर। जाने तो देंगे। ये रास्ता है डोबरा ब्रिज के लिए, लेट्स सी एंट्री उधर है कि नहीं, और है तो अगर क्यों नहीं, लेट्स गो चलते हैं उधर भी थोड़ा एक्सप्लोर करा जाए, गाड़ी लगा के फोटो वोटो लेते हैं उस तरफ जाके। सर इसमें जाना अलाउड है? नहीं गाड़ी नहीं रोकेंगे सर, सीधे उधर जाऊंगा और यूटर्न लेके वापस आ जाऊंगा, जा सकता हूँ ना? और यह गाड़ी बाहर लगा के अंदर जा सकता हूँ पैदल चल के? शुक्रिया जी। सो ये है रूल्स रेगुलेशंस यहाँ के। ये है भाई लोग सामने ब्रिज अपना डोबरा ब्रिज एंड इट इज ह्यूज एक्चुअली। Actually huge. इस पे गाड़ी रोकना मना है, बट गाड़ी आगे या पीछे कहीं एक साइड रोक के आप आराम से पैदल जाके फोटो सेशन करा सकते हो। तो अभी चलते हैं पहले इस तरफ और एक बार व्यू देखो यार।
नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यार ये, कसम से। यहाँ पे लोग शूट करा रहे हैं। और यार अमेजिंग भाई, क्या फीलिंग आ रही है यार इसके ऊपर, मतलब नेक्स्ट लेवल। दिस इज नेक्स्ट लेवल एक्चुअली। अभी इसका चक्कर काट लिया, गाड़ी लगाते हैं, पैदल आते हैं ऊपर, फोटो शूट कराएंगे आराम से। बच्चा है बीच में, फोटो शूट करेंगे आराम से यहाँ पे। एंड देन विल गो बैक टू कनौतल टू अ होटल। अमेजिंग यार, मजा आ गया कसम से। तो अभी गाड़ी खड़ी करके वहां पे वॉक करते हुए जा रहे हैं ब्रिज की तरफ। हाँ हाँ, वैसे भी कॉर्नर पर चल रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं यहाँ पे, फोटोज लेते हैं, थोड़ी बहुत एंजॉय करते हैं इस एक्सपीरियंस को। इट इज एक्चुअली अ मस्ट विजिटिंग प्लेस यार, यहाँ पे आओ। If you're coming to this place, do visit Tiri Lake and Dobra Bridge. बहुत सही है, जीना का बिल्कुल मूड नहीं आने का वॉक करने का, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि शी इज विद मी। तो चलते हैं सीधे ब्रिज के पास और फिर वहाँ जाके कंटिन्यू करते हैं। तो अभी थर्ड बैटरी डाली है, सेकंड बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, थर्ड बैटरी डाली है GoPro में। और धूप है, गर्मी लग रही है हल्की बहुत, पर जैकेट डाली है बिकॉज फोटो सेशन करना है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सो आई एम ऑन द ब्रिज, और इस ब्रिज पे यार एक अलग साउंड आता है व्हेन ट्रक और बिग व्हीकल्स आर कमिंग। एक अलग साउंड आ रहा है, घट 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 करके। अभी एक बस गई थी, अगर कोई और बस आएगी तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो फिलहाल आई एम ऑन द ब्रिज और ये है मेरे चारों तरफ का नज़ारा। नेक्स्ट लेवल, दिस इज नेक्स्ट लेवल। अच्छा लगता है यार इंडिया में ऐसी चीजें हैं, आई लाइक इट। और वहां पे जीना फोटोग्राफी कर रही है, तो थोड़ी फोटो वोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ए फेस। आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।